हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कंपोनेंट ऑफ डोर। जैसा कि आप इस वर्टिकल पोर्शन को देख रहे हैं डोर को, इसको कहते हैं स्टिल। और एक ये पोर्शन है, इसको पोर्शन को भी स्टिल कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है, ये देख रहे हैं ज्वाइंट, इसको बोलते हैं रेल। और ये सबसे ऊपर लगी है इसलिए बोलते हैं इसको टॉप रेल। और ये हमारा इंटरमीडिएट रेल, इंटरमीडिएट रेल को हम लोग लॉकिंग रेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉकिंग अरेंजमेंट दिया जाता है लॉक करने के लिए। और सबसे नीचे आ जाता है इसका ये बॉटम रेल। और डोर को फ्रेम से हिंज करने के लिए एक हिंज का प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कनेक्शन आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टॉपर। इस डोर को ऑटोमेटिक स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। और ये डोर का जो फ्रेम देख रहे हैं आप, इस वर्टिकल पोर्शन को बोलते हैं हम लोग जैम। और ये जो टॉप हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये कहलाता है हेड या केसिंग। और इसी में आप देखेंगे कि ये जो हल्का सा ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसका मेन फंक्शन होता है डोर को स्टॉप करना, रोकना है। यानी डोर उधर से इधर अंदर की तरफ ना आ पाए।